हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आयुषी रंजना। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ वीडियो बनाने वाली हूँ, वो है स्किन केयर प्रोडक्ट जो है सिंपल का मॉइस्चराइजर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाइए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का स्किन केयर प्रोडक्ट है ये सिंपल का मॉइस्चराइजर, जिसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में है और इसकी पैकेजिंग बहुत ही सिंपल है। लाइक जैसा इसका नाम है वैसी इसकी पैकेजिंग है। और ये मेरा टॉप वन मॉइस्चराइजर है। लगभग मैं इसे 1 या 2 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं हर मॉइस्चराइजर स्किप कर सकती हूँ बट ये सिंपल का मॉइस्चराइजर मैं कभी भी स्किप नहीं करती, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर बेस्ट। ये प्रोडक्ट 125 ml है जिसका प्राइस 395 है, बट मुझे ये 5 to 10% ऑफ पे मिल जाता है। लाइक मिंत्रा या नायका पे जहाँ भी ऑफर चल रहा होता है मैं वहाँ से परचेज करती हूँ। और इस मॉइस्चराइजर में कोई भी कलर ऐड नहीं है, कोई भी हार्श केमिकल ऐड नहीं है और कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। जिसके भी सेंसिटिव स्किन है उसके लिए ये मॉइस्चराइजर बेस्ट है। इसमें ना कोई आर्टिफिशियल परफ्यूम है, ना कलर है, ना हार्श केमिकल्स है, तो मिनरल्स ऑयल भी नहीं है, ना इसमें कोई अल्कोहल है। इसलिए ये मॉइस्चराइजर सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। एक चीज और, ये जो मॉइस्चराइजर है मेनली सेंसिटिव स्किन के लिए, बट मेरी स्किन नॉर्मल है तो मुझे नॉर्मल स्किन पे बहुत अच्छी तरीके से जाता है और इसमें कोई ऑयलीनेस नहीं है। मैं जब भी इसे अप्लाई करती हूँ ना मुझे कुछ भी चिपचिपा फीलिंग नहीं होती, लाइक बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल स्किन होता है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉइस्चराइजर ऑल स्किन टाइप पे जा सकता है, क्योंकि ड्राई स्किन है मेरे घर में वो भी इसे यूज़ करते हैं, मेरा नॉर्मल है मैं भी उसे यूज़ करती हूँ। जिसका सेंसिटिव स्किन है उसके लिए मेनली ये प्रोडक्ट बना ही है, क्योंकि ये है ना बिल्कुल पीएच इसमें बैलेंस है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। तो सेंसिटिव स्किन को क्या होता है कि लाइक परफ्यूम, कलर, हार्श केमिकल से उनके स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करे। और एक चीज़ और है, आपको ये सन से प्रोटेक्ट भी करता है। और ये मॉइस्चराइजर टीनेजर के लिए बेस्ट है, क्योंकि टीनेजर लाइक मॉइस्चराइजर, सीरम, सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर पाते तो डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉइस्चराइजर टीनेजर के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं टीन एज से इसे अप्लाई करते हुए आ रही हूँ और मेरे स्किन पे कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सूट नहीं करता है या मेरे घर में जो भी लोग लगाते हैं उन्हें ये प्रोडक्ट सूट नहीं करता है। और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। आप जब लगाएंगे तो आप एक खुद फ्रेश फील करेंगे, आपको कोई भी ऑयलीनेस फील नहीं होगा और आप उस पर ईजिली मेकअप लगा सकते हैं। और मॉइस्चराइजर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो बात सबको पता है। लाइक आप कुछ करें अपनी स्किन पे या ना करें, अपनी स्किन को दिन में 2 बार मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। मॉइस्चराइजर क्या होता है ना, हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, ग्लोई रखता है, लाइक ड्राइनेस नहीं आने देता। इसलिए हमें मॉइस्चराइज करना ही चाहिए दिन में 2 बार। लाइक आप जो मॉइस्चराइजर यूज़ कर लें, लेकिन ये मॉइस्चराइजर मेरा फेवरेट है। और अभी मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया, जस्ट फेस वॉश किया है और एक सीरम अप्लाई किया और इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया, बस एक लिपस्टिक लगाया है। ना मेरे फेस पे कोई मॉइस्चराइजर है, ना मैंने कॉम्पैक्ट अप्लाई किया है, बस एज इट इज़ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको ये प्रोडक्ट लगाकर दिखाऊंगी कि ये कितना लाइट वेट है और ये मेरी स्किन पे कैसे वर्क करता है। इस तरह तो मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ मॉइस्चराइजर का। मैं आपसे ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि इसकी मेरे हाथ पे तो मेहंदी आपको दिखेगी भी नहीं, कंसिस्टेंसी इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की है। आप देख सकते हैं ये वाइट कंसिस्टेंसी में आता है। अब बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, वाटरी भी नहीं है, थोड़ी हल्की थिक कंसिस्टेंसी है। आप देख सकते हैं पूरे फेस पे इसे अप्लाई करूँगी। और आपको मॉइस्चराइजर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, ऐसा नहीं कि हम नीचे की तरफ लगा रहे। हमेशा मॉइस्चराइजर या कोई भी प्रोडक्ट ऊपर की तरफ लगाना है, नीचे की तरफ नहीं लगाना।
आप देख सकते हैं मैंने मॉइस्चराइजर पूरे फेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया है और मेरा स्किन बिल्कुल मॉइस्चराइज लग रहा है और हेल्दी लग रहा है। और जब आप ये मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे तो हल्का सा ग्लो आता है जो आपके फेस पे बहुत अच्छा लगता है, मुझे जब ये ग्लो आता है। और अभी हल्का सा आपको बहुत ही लाइट ऑयलीनेस लग रहा होगा, लेकिन विद इन 5 मिनट्स ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाता है स्किन में और कोई ऑयलीनेस नहीं होता। लेकिन जिसके ड्राई स्किन है उसे विंटर में शायद ये प्रोडक्ट उतना मॉइस्चराइज ना करे, बट नॉर्मल स्किन सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है। इस मॉइस्चराइजर में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई भी हल्का भी फ्रेग्रेंस नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री है, इसलिए मुझे ये मॉइस्चराइजर अच्छा लगता है। और प्लस पॉइंट ये, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, तो केमिकल्स के प्रोडक्ट वैसे भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। और मैं इसे रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करती हूँ। मैं इसमें और भी मॉइस्चराइजर ट्राई करती हूँ बट ये मेरा हमेशा फेवरेट रहता है, ये हमेशा मेरे स्टॉक में होता ही होता है। और मैं लगभग 6-7 बॉटल तो मेरे ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं सेल में, तो हमेशा जब भी आप सेल से परचेज करेंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे ही अवेलेबल होता है। मैं सिंपल के बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई कर चुकी हूँ बट उसमें मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे ये लगा है जो कि ये सिंपल का मॉइस्चराइजर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।